Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं I am fish. It's like fish simulator जिसमें हमें एक fish की life जीनी है. बाकी जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. नीचे जो रेड कलर का बटन आ रहा है इसे जल्दी से दबा दो. ऑल राइट गाइस, तो ये मैं आ चुका हूँ अपने एक्वेरियम में. और एक बारी आप लोग ध्यान से देखो कि ये जो अपनी फिश है ना, ये कितनी ज्यादा प्यारी है यार. ऑरेंज कलर की, बिल्कुल नेमो जैसी. और अभी ना फिलहाल मैं शायद से किसी बहुत बड़े एक्वेरियम में हूँ. और ये एक पेट शॉप का एक्वेरियम है. और यहाँ पर अपने साथ और भी कई सारे फिश फ्रेंड्स हैं. ये देखो, ब्लू कलर की फिश आ रही है. हेलो, तेरे को यहाँ से बाहर निकलने का मन है क्या? शायद ये ऊपर की तरफ जाना चाह रही है. और अभी मैं पानी के एकदम टॉप लेवल पे आ चुका हूँ. शायद मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता. मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, इन सबसे मैं आपको मिलाता हूँ. ये क्या है भाई? एक सेकेंड. हेलो, ओ मैं इसके पास नहीं जाने वाला. इस फिश के कुछ कांटे निकले हुए, पता लगा अपने चुप जाए और हम काली पीली यहाँ पर पिट जाए इससे. बाकी ये कुछ अच्छा सा लग रहा है. हेलो, अबे वेट, ये एक शार्क है, फ्रॉग है या फिर क्या है ये? मैं इन सबसे दूर रहने वाला हूँ. पता नहीं कैसी अजीब से फिश रह रही है इस एक्वेरियम में. बाकी यहाँ पर कुछ अपना ही फूड है जो कि शायद से मुझे खाना होगा ताकि मेरा पेट भर जाए. यहाँ पर भी कुछ फूड है, सारा फूड खा जाऊंगा. इनके लिए कुछ भी नहीं बचने वाला. ओके, तो अभी ना अगला दिन हो चुका है. सारी की सारी फिश आपस में मस्त खेल कूद रही है. ऑनर ने थोड़ा सा और फूड दिया. ऑनर नहीं, सॉरी, शॉपकीपर, इसने खाया और ये फूल गई. भाई फुल मस्ती चल रही है यहाँ पर सभी फिश के बीच में. वाह गाइस, अभी ना इस पेट शॉप पे कोई कस्टमर आया है और सारी की सारी फिश जाके छुप चुकी है. और ये जो शॉपकीपर है सभी फिश को पकड़ के यहाँ से बाहर निकाल रहा है क्योंकि अभी सारी बिक चुकी है, किसी ने खरीद ली. हम सारे साथ रह रहे थे बट अब अलग अलग होने वाले हैं. मैंने कहा था ना भाई, बिल्कुल एक फिश लाइफ हमें देखने को मिलने वाली है इस गेम में. हमारे सारे फ्रेंड चले गए, अब हम अकेले पड़ गए. उसका मुंह देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई. तो गाइस देखो, अभी ना मैं एक छोटे से बाउल में आ चुका हूँ. हमें भी जिसने खरीदा था वो ओनर हमें अपने घर पे लेकर आ चुका है और आज से हम लोग उसके पेट हैं. उसने हमें फूड दिया है और उस फूड में जो फिश की फोटो है उसमें हमें अपने फ्रेंड नजर आ रहे हैं. शायद से हमें अपनी फ्रेंड तक पहुँचना है क्या इस गेम में? पता नहीं क्या होने वाला है. बाकी हाँ, हम अकेले पड़ गए यार. पहले कहाँ कैसी बढ़िया सी जगह पे रह रहे थे यार. कितना ज्यादा बुरा सा नहीं लग रहा है? देखो कहाँ इतना बड़ा एक्वेरियम था, कहाँ ये छोटा सा बाउल है. सही में फिश की लाइफ काफी ज्यादा हार्ड हो जाती है एक पेट बनने के बाद. वेट, तो अभी वो जो ऑनर है वो यहाँ से जा चुकी है और इसकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि अब हमें यहाँ से एस्केप करना है. तो काफी ज्यादा अमेजिंग गेम है ये वाली. और अभी हमें किसी ने खरीदा नहीं है, हम लोग अभी भी एक पेट शॉप पे ही है. हुआ ये कि उन्होंने बड़े एक्वेरियम से बाहर निकाल के हमें एक छोटे से बाउल में रख दिया है क्योंकि उतने बड़े एक्वेरियम में हम लोग रहने लायक नहीं है शायद से. फिलहाल अभी मैं इस बाउल को कंट्रोल कर पा रहा हूँ बट अगर ये नीचे गिरा तो ये फूट जाएगा क्योंकि ये ग्लास का है. तो भी ओ वेट, आराम से भाई, मैं सारा सामान गिराते हुए यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ. इधर काश विंडो खुली हो, मैं यहाँ से एस्केप कर पाऊंगा क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से नीचे उतरना बहुत हार्ड है, मुझे सामने को जाना होगा. यहाँ पे एक फिश और है. हेलो, ओ नहीं, मैं नीचे गिर गया, ग्लास टूट गया यार. और अभी मेरा क्या होगा भाई? मैं फंस चुका हूँ, मुझे पानी चाहिए होगा. जल्दी से जल्दी पानी. नहीं गाइस, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो इसीलिए हमें इस पानी में रहना है हमेशा. अगर हम लोग 4 से 5 सेकंड के लिए भी बाहर गिर जाते हैं, मीन्स ये जो बाउल है फूट जाता है, तो सीधी सी बात है हम लोग मरने वाले हैं, बहुत बुरे वाला. फिलहाल लास्ट टाइम मैं यहीं से गिरा था और इस बारी मैंने अपने आप को स्लो डाउन करके कंट्रोल कर लिया है. सामने एक ये शेल्फ है तो मुझे फटाफट से इसके ऊपर जाना है. वेट, ये ओ भाई, ये गिर चुका है और मैं भी यहाँ से नीचे आके गिर चुका हूँ. अभी मुझे कहाँ जाना होगा मुझे कोई आइडिया नहीं. वेट एक बार, आप लोग सामने देखो, वो वाला जो बाउल गिरा है वो नीचे इधर इस कारपेट पे गिरा. यानी अगर मैं भी इस कारपेट पे गिरता हूँ तो शायद मेरा बाउल भी नहीं फूटना चाहिए और ये नहीं फूटा. वाओ यार, ये कितना ज़्यादा यूनिक सा गेम है. मुझे भी करना क्या होगा. वैसे गाइस ये देखो, ये जो एक्वेरियम है, आज से कुछ दिन पहले हम लोग इसी में थे बट अपने सारे फ्रेंड जा चुके हैं और हमें उठा के इस छोटे से बाउल में डाल दिया गया था. बाकी हाँ, अभी मुझे करना ये है कि वो जो शॉपकीपर है वो शॉप का गेट खुला छोड़ के गई थी ना, हमें वहाँ से एस्केप करना है. काश वो जो गेट है वो अभी भी खुला हो और गेट खुला हुआ है. लेट्स गो, फटाफट मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ. मुझे थोड़ी सी ना इस बाउल की स्पीड कम कर लेनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही तेज स्पीड में यहाँ से बाहर जा रहा है. और एक सेकेंड, मुझे लग रहा था कि ये एक कोई छोटा सा विलेज होगा बट ये तो एक बहुत बड़ी सिटी है. मुझे कोई आइडिया नहीं कि भी मुझे यहाँ पर क्या करना है, किधर जाना होगा. अब देखो सीधी सी बात है, मैं कहीं पर जाके करूँगा भी क्या? एक मछली को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए होता है
और खाना भी चाहिए होता है। काश यार आसपास कोई रिवर हो या फिर कोई लेक हो, तभी हम लोग जिंदा रह पाएंगे। फिलहाल मुझे लग रहा था कि क्या मैं इसके ऊपर आ सकता हूँ, ना मैं आ सकता हूँ। लेट्स गो, फटाफट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और लेक छोड़ो गाइस, सामने मुझे एक बहुत बड़ा ओशन नजर आ रहा है। लेट्स गो, मुझे समझ आ चुका है मुझे क्या करना है। अभी मुझे कुछ भी करके उस ओशन तक पहुंचना है, अपने बाउल को फोड़ के इसमें से बाहर निकलना होगा। यहाँ पर नीचे गली में लोग भी खड़े हुए हैं। काश मुझे कोई देखे ना, पता चला पकड़ के अपने घर में ले जाए तो और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी एक के बाद एक वायर मिल रही है और उस वायर पे घूमता हुआ मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। नहीं भाई, वे मुझे अपनी ना स्पीड कम करनी होगी, क्योंकि अभी मुझे लगा सामने वो जो प्लांट था, वो जो पोर्ट था ना उसका, उसमें भिड़ के शायद से मैं फूट सकता था। बाकी वेट वेट वेट, यहाँ से मैं नीचे जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर नीचे एक मैट्रेस पड़ा हुआ है, राइट साइड में नॉर्मल जमीन है और ये जगह काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी सी है, तो प्लीज़ मुझे मैट्रेस पे गिराना आगे नहीं। ओ तेरी भाई, इसमें कुछ ज़्यादा ही रियल फिजिक्स नहीं चल रही है। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया, इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि मैं सीधा दूसरी वायर पे आ चुका हूँ और अभी मैं लुढ़कता जा रहा हूँ और सामने वालों की घर की छत पे पहुँच चुका हूँ। भाई मैं उस ओशन के करीब आ चुका हूँ। लेट्स गो, वेट, आराम से मैं किसी और के घर की खिड़की में ना घुस जाऊँ बस। अबे बच गया, अपना ग्लास क्रैक हो चुका है। नहीं प्लीज़ यार, अपना ग्लास ना पूरा क्रैक हो चुका है। मैं ऊपर से तो गिरा, बट अच्छी बात है कि यहाँ पर नीचे जो पेड़ पौधे पत्तियाँ थी ना, इन पे गिरा। सामने मुझे एक वायर दिख रहा है, फटाफट इस वायर पे चढ़ते हैं। प्लीज़ आराम से, कोई टेढ़ी मेढ़ी वायर तो नहीं है ना। लेट्स गो एकदम सही है। यहाँ पर अपना थोड़ा सा फूड है, इससे शायद अपना ग्लास रे। अबे नहीं, रुक जा भाई, मेरे को बहुत धीरे धीरे जाना होगा, मैं पता नहीं क्यों इतनी जल्दबाजी दिखा रहा हूँ। हाँ तो भी मैं काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका हूँ उस ओशन के, अपनी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है दोस्त। मुझे ना बस अभी एक और बढ़िया सी जगह ढूंढनी है जहाँ से मैं आगे बढ़ पाऊँ। यार अभी तक तो मैं बिना सोचे समझे, बिना कोई चीज़ ढूंढे यहाँ तक पहुँच गया, बट इधर मुझे नहीं समझ आ रहा कहाँ जाना चाहिए। क्यों नहीं समझ आ रहा, ये वायर जा तो रही है। फटाफट इस वायर पे बैठते हैं और जल्दी से चलते हैं सीधा। अपने आप को रोकना होगा। सामने देखो भाई, अगर मैं सामने भिड़ा ना तो पक्का ये जो ग्लास है, बाउल है, फूट जाएगा। ओह भाई, ये थोड़ा सा और क्रैक हो गया है, टूटा नहीं। लेट्स गो, यहाँ पर एक चेक पॉइंट और है, अगर मैं मरता हूँ तो अपना जो गेम है वो यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा, तो उस चेक पॉइंट को लेना जरूरी। अरे रुक जाए यार, बेमतलब जाके भिड़ेगा, मैं रुक भी रहा था। लेट्स गो, फटाफट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सामने मुझे कोई रास्ता तो नज़र नहीं आ रहा है। ये वाली जो छत है ये भी आपस में कनेक्टेड नहीं है, बट इन घरों की वायर आपस में कनेक्टेड। पानी नहीं है, ये नीला जमीन है। ओके गाइस, तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर मैं कहीं पर भी मरता हूं तो अपना जो गेम है वो लास्ट चेक पॉइंट से कंटिन्यू हो जाएगा। और इससे पहले ना गाइस, मैं राइट साइड में थोड़ा ज्यादा ही चला गया था, और राइट साइड में थी खतरनाक वाली ढलान जो कि मुझे सीधा ले गई नीचे और ले जाके फेंक दिया गली में। बाकी हाँ, इस बारी में कोई भी छोटी मोटी गलती नहीं करने जा रहा हूँ। और ये जो गेम है ना गाइस, हमें ये फुल दिमाग से खेलना है। कोई एक रास्ता नहीं एस्केप करने का, कोई भी रास्ता आप खुद से ढूंढो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। और मैं धीरे धीरे करके इस ओशन तक पहुँचने वाला हूँ। नीचे यार देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा रिस्क लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, बट अभी रिस्क अपने आप ले लिया मैंने। नीचे घास थी, मैं बच चुका हूँ, मेरे ग्लास को कुछ भी नहीं हुआ और मैं नेक्स्ट चेक पॉइंट पर आ गया हूँ। काश यहाँ पे एक वायर हो। प्लीज़, नहीं यहाँ पे एक वायर तो नहीं है, बट कुछ तो ऐसा है नहीं यार, ये कुछ भी काम का नहीं है, उल्टा इसमें मैं अटक सकता हूँ। नीचे घास पड़ी है, कोई और रास्ता नहीं है क्या यार यहाँ से आगे बढ़ने का? राइट साइड, नहीं, शायद मैं यहाँ तक आया हूँ तो अभी मुझे यहीं से नीचे जंप मारना चाहिए। यहाँ पर एक हो चुका, ओ नाइस, गली में नहीं, लेट्स गो, रोड पार कर लेता हूँ। अबे अंधा है क्या बे, पागल सा यार, गाड़ी चढ़ा गया और ये लो, ये कसर और रह गई थी। यार लास्ट टाइम हम लोग बिल्कुल सही गए थे, बट वो गाड़ी वाले ने आकर हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। पहले ग्लास फूटा, उसके बाद हम लोग उस ग्लास से जब बाहर आए तो एक गाड़ी अपने ऊपर आके और चढ़ गई, बट इस बारी मुझे रास्ता एकदम क्लियर नजर आ रहा है। लेट्स गो, मुझे बिल्कुल भी रुकना नहीं है और मैं यहाँ से एस्केप कर चुका हूँ। सामने पूरा ओशन है, अभी बस मुझे उस ओशन में जंप मारनी है। कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं, काश मैं इनकी नजरों से बच के यहाँ से निकल जाऊँ। लेट्स गो, अब अपने बाउल को ना यहीं से एकदम लेफ्ट लेके चलते हैं और जंप करा देते हैं पानी में। वाओ, तो फाइनली हम लोग एस्केप तो कर चुके हैं, बट इस बाउल से कैसे बाहर निकलेंगे ये नहीं समझ आ रहा है हमें। अरे भैया कोई तो निकाल दो मुझे ये,
बाउल फोड़ना चाहिए था। ओ नहीं, अभी हम लोग एक नदी किनारे पहुंच गए, मतलब कि एक बीच पे पहुंच गए हैं क्या, या फिर किसी किनारे में हम लोग पहुंच गए हैं और किसी ने आके हमें उठा लिया है। तो गाइस अभी जिसने मुझे पकड़ा था ना, उसने अपने घर के स्टोर रूम में मुझे लाके रख दिया है, वो भी पता नहीं कैसी सी जगह पे। आगे पीछे भाई स्पाइडर के वेब लगे पड़े हैं, खतरनाक वाले। फिलहाल अभी मुझे ना यहाँ से आराम आराम से आगे बढ़ना होगा, और इस बार अगर मैं स्केप करूँगा ना तो सीधा अपने ये जो बाउल है ना उसको फोड़ के स्केप करूँगा, क्योंकि ये तो कोई ना कोई मेरे को दोबारा से उठा के ले जाएगा। वैसे सामने एक चेक पॉइंट है, ये जगह पे कितनी ज्यादा गंदगी हो रखी है यार, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है इधर तो 2 मिनट भी रुकने को। तो भी फटाफट मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। नीचे एक मैट्रेस पड़ा हुआ है, इस मैट्रेस पे जंप मारते हैं। मैं यहाँ से नीचे आ चुका हूँ और अभी पहले शायद से मुझे इस घर के नीचे वाले फ्लोर पे जाना होगा। गाइस जो नीचे जाने का रास्ता है ना यार, वहां पर तो देखो सीढ़ी लगी हुई है, तो सीधी सी बात है मैं यहाँ से नीचे नहीं जा पाऊंगा। राइट साइड में भी सीढ़ी है, शायद अपना बाउल यहाँ से भी बाहर नहीं जा पाएगा। तो फिर अभी मुझे कैसे, ओ यहाँ रास्ता यहाँ सर, ओ भाई ये क्या था। गाइस लास्ट टाइम तो हमें यहाँ से एस्केप करने का रास्ता मिल गया था, बट जब मैं वहां पर गया तो वो जगह ऐसे अचानक से खुल गई और मैं अचानक से नीचे गिरा। और वेट, ये क्या हुआ। अच्छा तो मुझे इन लैडर्स को पहले धक्का मारना था, फिर यहाँ से नीचे जाना था। यहाँ से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बट हो सकता है अपना बाउल भी यहाँ से नीचे चले जाए, तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा ये रास्ता सही है या मुझे साइड से जाना चाहिए या क्या करना है। बाकी हाँ रास्ता तो यही है भाई आगे बढ़ने का। लेट्स गो, मेरे बाउल प्लीज नीचे मत जाइयो। लेट्स गो, एकदम सही मैं एकदम सही जा रहा हूँ। फाइनली हम लोग वापस से शहर में आ चुके हैं। एक चेक पॉइंट मिल गया भाई, कैसा सा स्टोर रूम है भाई। हाँ ठीक है, तो अभी यहाँ से आगे बढ़ने का एक राइट में रास्ता है, एक लेफ्ट में रास्ता है। मैं काम करता हूँ, मैंने लेफ्ट वाले रास्ते से जाता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ सामने एक चेक पॉइंट नज़र आ रहा है। इसका स्टोर रूम से बाहर निकलना ना सच्ची में थोड़ा बहुत मुझे हार्ड लगा भाई शुरुआत में, पर जैसे ही वो लेडर्स का पता चला हमने फटाफट से बिना कुछ सोचे समझे एस्केप कर दिया। सामने वाले चेक पॉइंट पे चलते हैं और अभी मुझे वापस से उस ओशन तक जाना होगा। ओके तो ये वाला चेक पॉइंट मैंने ले लिया है, बट अभी मुझे यहाँ से नीचे जाना है। नीचे एक ट्रैम्पोलिन है, तो सीधी सी बात है ट्रैम्पोलिन पे जाऊंगा तो मैं और ऊंचा जंप कर जाऊंगा, और ऊंचा जंप करूंगा तो मैं कहीं पर भी लैंड। ओ वाओ, ये बस मेरा हो गया, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। भाई अब क्या करूं, यहाँ पर कोई नाली वाली है क्या, मींस कोई भी ऐसे छोटी सी भी पाइप वगैरह। ओ यहाँ फूड है इसको, तो मुझे ये फूड खाना चाहिए ऊपर आके। गाइस देखो अभी ना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये सही जगह पर आया हूँ या खाली पीली यहाँ पे आके फंस गया हूँ, क्योंकि आगे कुछ करने को है ही नहीं। बाकी मैं सोच रहा था इधर कोई ना कोई टनल होगी, और ये देखो मुझे वो टनल मिल गई है। यहाँ पर एक मस्त पाइप गई हुई है, ये पाइप कहाँ पे, ओ वेट ये पाइप कितनी ज़्यादा तेज प्रेशर में जा रही है आगे को, सीधा ओशन में निकाल दो मुझे, बस मेरा खेल खत्म। किसी के घर के बाथरूम में निकाला ना सर, बहुत बुरा पीटूंगा भाई, मेरे को फंसना नहीं है। प्लीज ये, अरे भाई कहाँ ले आए, और तेरी है मुझे यहाँ एक सीवर में ला के फेंक दिया गया है। बट अच्छी बात है कि सीवर का पानी भी काफ़ी ज़्यादा साफ है, बट ऐसे प्लास्टिक के कप यहाँ पे पड़े हुए हैं और जगह जगह से यहाँ पे पानी आ रहा है। ठीक है तो मुझे भी यहाँ से जंप मारनी है बहुत तेज की, लगी नहीं, वाओ कोई बात नहीं एक और ट्राई करते हैं। पहले मैं नीचे जाऊँगा, फिर इसके पास में जाके फुल जंप मार के यहाँ से आगे बढ़ूंगा और दूसरी साइड आ जाऊँगा। अभी कैसा कैसा कूड़ा घूम रहा है भाई, ये देखो अलग ही बोटल्स पता नहीं क्या क्या पड़े हुए हैं। इंजेक्शन नहीं आया भैया, अबे मेरा इंजेक्शन लग गया, अबे सही में इंजेक्शन लग गया मेरे, ये कैसे हो रहा है। ये कुछ ज्यादा रियलिस्टिक हो रही है, मतलब कि गाइस आप लोगों ने देखा ये क्या हुआ मेरे साथ, एक इंजेक्शन आ गया मेरे चुभ गया, मतलब कि जो कचरा है हम लोग इससे भी सेफ नहीं है। वाओ मैं सोच रहा था कि उससे मुझे मतलब नहीं रखना, बस आगे बढ़ते जाना है, बट नहीं भाई हर चीज़ से पूरा मतलब रखना है, तभी हम लोग इसमें एस्केप कर पाएंगे। अबे अभी कहाँ अटक गया, हाँ ठीक है इसको धीरे धीरे आगे बढ़ते, पहले नीचे जाते हैं, फिर जैसे ही अपना पॉइंट आएगा जंप मारने वाला मैं ऊपर जाऊँगा और सीधा जंप यहाँ से मार दूंगा। और फिर क्या टाइमिंग थी मेरे ऊपर आने की, इसको यहाँ से चेक पॉइंट मैंने ले लिया है। अभी हम लोग टर्मिनल पे आ चुके हैं, मुझे देखना होगा यहाँ से कहाँ जाना है। अरे प्रेशर आ रहा है उस साइड से और मुझे जाना इस साइड है शायद। गाइस ये जो राइट वाली पाइप है ना, इसमें से देखो कितना ज़्यादा कूड़ा आ रहा है, एक के बाद एक इंजेक्शंस, ग्लास, बॉटल्स, पता नहीं क्या क्या निकल कर आ रहा है, तो मुझे इनसे बच के रहना होगा, क्योंकि अगर ये मेरे एक भी लगा ना तो मैं वैसे ही बहुत बुरा फंस जाऊँगा। बाकी ये जो जगह है ना इसे टापना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, बट फाइनली मैं उसे क्रॉस करके आ चुका हूँ। अभी यहाँ पर एक ये वाला टनल है, इसके अंदर जाऊँ क्या कोई खास सेफ लोकेशन। ओह वेट
ये भी बहुत ज्यादा प्रेशर में कहीं लेके जा रहा है। ओके ओके ओके, अभी इसने मुझे और गंदे पानी में लाके फेंक दिया है, थोड़ी देर में लावा में ले जाके फेंक दिया है ना। हाँ मतलब कुछ भी हो रहा है भाई, एक जगह से निकल रहा हूँ तो दूसरी जगह जाके फंस रहा हूँ। अच्छा खासा मैं एक ओशन में चला गया था, मेरे को तो अभी जगह ही नहीं समझ आ रही कहाँ जाऊँ। ये तो बैरियर लग गए, क्या मैं क्रॉस कर सकता हूँ? मैं छोटा सा हूँ, जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। ठीक है अभी यार मैं यहाँ से आया हूँ, ठीक है अब मेरे पास तीन रास्ते हैं। एक रास्ता मैंने चेक कर लिया, मैं नहीं जा पाया, राइट में भी बैरियर है यानी मुझे इसके अंदर जाना है। ठीक है फेंको भाई, इधर से फेंक रहे हो उधर जा रहा हूँ, उधर से फेंक रहे हो इधर आ रहा हूँ। अभी मैं किसी जगह पे आके अटक गया क्या? अबे ये क्या किस्मत है भाई। हेलो, मतलब ये जो पाइप है ये कहाँ निकल रही है देख रहे हो? मैं अभी एक ट्रॉली किसी ने रखी हुई थी, अच्छा है कि इसमें थोड़ा बहुत पानी था, और ये बंदा गाड़ी साफ कर रहा था इस पानी का यूज़ करके। यार ये गेम सच्ची में बहुत ज़्यादा मस्त है यार। ओ सॉरी, उसने सुन लिया? नहीं वो उसको आवाज़ आई कि कुछ चल के जा रहा है, सही है, उसने इधर नहीं देखा। और अपनी ये जो गाड़ी है, मतलब क्या ट्रॉली, नहीं अबे ये भाग कर आ रहा है, इसकी ट्रॉली कहाँ पर जा रही है? अरे चला, अबे पकड़ लेगा वो। ठीक है मुझे यहाँ से लेफ्ट जाना चाहिए, राइट जाते हैं भाई। लेफ्ट में सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी। पागल है क्या? उठा मेरे को जल्दी पानी में डाल। अबे बचपन में पोएम नहीं पढ़ी क्या? यार ये अनपढ़ है। तो यार अभी ना मैं लेफ्ट साइड में तो जा नहीं सकता और राइट साइड में मैं जाके मर चुका हूँ। बट ये जो सामने वाला रास्ता है ना, मैंने तो एक बार भी इस पे फोकस ही नहीं करा, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर मैं बहुत तेज फोर्स लगाता हूँ, जितनी मैं मैक्सिमम लगा सकता हूँ, तो शायद मैं इस जगह से एस्केप कर जाऊँगा। और मुझे फील आ रही है कि मैं यहाँ से एस्केप कर रहा हूँ, बस इस पत्थरों में मेरी ये जो ट्रॉली है ना वो अटके ना। लेट्स गो भाई, ये ऊंचाई पे गुजार रहा हूँ मैं। धीरे 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 यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट 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 लेफ्ट। अरे फंस गया। नहीं 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 नहीं, पूरी पूरी की पूरी ट्रॉली हिल चुकी है। जल्दी से जल्दी से, वो मेरे पीछे आ रहा है भाई। वाके चुप रहे भाई, जाने दे मेरे को इस ट्रॉली में। यार ये 10 रुपए की ट्रॉली, वैसे 10 की नहीं महंगी है, बट फिर भी यार एक फिश की जान ले लेगा क्या यार इसके पीछे? वेट। ठीक है वैसे ऐसे रियल लाइफ में हो जाए किसी के साथ, उसकी ट्रॉली अपने आप चलती हुई जा रही है और बाद में पता चला कि उसे एक फिश कंट्रोल कर रही थी। इसको भाई भाई वेट, फाइनली मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हूँ। अगर ये मेरा पीछा छोड़ दे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मेरे को बस उस पानी में, नहीं nice. ये बहुत हो गया। नाइस भाई, वाह क्या ही एस्केप करा। ले जा अपनी ट्रॉली 5 रुपए वाली, पागल। ओए अब नहीं आ रहा। तो ओके गाइस, अभी हम लोग यहाँ से भी एस्केप कर चुके हैं। ये इस गेम का लेवल 2 था, पता नहीं आगे चल के गेम कितना हार्ड होने वाला है। बाकी आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोग को ये वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो पे जाके लाइक करना। इस पे ना एम करते हैं 5,25,000 लाइक के लिए। तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक और दबा के गोल कंप्लीट कर दो। जो भी चैनल पे चैनल सब्सक्राइब करना और मुझे कॉमेंट में जाके जरूर बताना कि क्या हमें इस गेम का पार्ट 2 में इस लेवल 3-4 खेलना चाहिए। तो ओके गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।